आदाब अर्ज मौलाना साहब। आदाब। अरे आसिफ साहब, डॉक्टर महमूद, आइए तशरीफ लाइए। कहिए, मैं आप लोगों की क्या खिदमत कर सकता हूँ? आप सिर्फ अपनी मशहूर चाय से हमारी खिदमत कर सकते हैं। और हम लोग सिर्फ उसी के लिए आए हैं। जरूर जरूर, खुश आमदीद सरदार। सर आइएगा। चलिए। इसे जरा ले चलिए। जरूर। शुक्रिया। वो चीनी चाय, वाइट जैस्मीन, जिसे मैं गोरी चमेली कहता था और जिसका मैं आदि था, कई दिन हुए खत्म हो गई और यहाँ अहमदनगर और पूना के बाजारों में कोई इसे आशना नहीं। मजबूरन हिंदुस्तान की उस स्याह पत्ती का जोशांदा पी रहा हूँ जिसे लोग चाय के नाम से पुकारते हैं और उसमें दूध डालकर उसका गर्म शरबत बनाया करते हैं। लीजिए। ये कैसी शक्कर? शक्कर यहाँ कहा, मजबूरन मिश्री मंगवाई और चाहा कि इसे कुटवा कर शक्कर की तरह काम में लाऊं। जेलर से कहा कि एक हावन और एक हावन दस्ता मंगवा दिया जाए। दूसरे दिन मालूम हुआ कि ना यहाँ हावन मिलता है ना दस्ता। हैरान रह गया कि इस बस्ती में कभी किसी को अपना सर फोड़ने की जरूरत पेश नहीं आती। फिर इसे कैसे कूटा आपने? एक साफ कपड़े में मिश्री की डलियां रखी और बहुत सा रद्दी कागज ऊपर तले धर दिया। हाँ। और एक पत्थर उठाकर एक कैदी के हवाले किया जो यहाँ काम काज के लिए लाया गया। हाँ। है, और उससे कहा, मेरे भाई, अपने सर की जगह इसे पीट। वो एक चोट भी करीने की न लगा सका। हाँ। मिश्री तो कुटने से रही, अलबत्ता कागज के पुर्जे उड़ गए। ठहरिए, यूं नहीं, ईरानियों की तरह मिश्री मुंह में रखिए और फिर चाय पीजिए। लाजवाब चाय तो बहुत बढ़िया बनी। ये क्या लिखा जा रहा है मौलाना साहब? कभी कभी अपने एक अजीज दोस्त मौलाना हबीबुर रहमान खान शेरवानी को खत लिखा करता हूँ। लेकिन दोस्तों को खत लिखने की तो यहाँ इजाजत नहीं। मैं जानता हूँ, लेकिन ये खत भेजे नहीं जाते, पड़े रहते हैं। तो फिर लिखने का मकसद? बस वक्त अच्छा गुजर जाता है, गुबारे खातिर निकल जाता है। रिहा होने के बाद ये सभी खत मैं उन्हें इकट्ठे भिजवा दूंगा। दरखास्त है कि कोई ऐसा हिस्सा पढ़कर सुनाइए जो राजदाराना ना हो। कोई बात राजदाराना नहीं है, हर खत का मौजू अलग है। आप खुद ही उठाकर पढ़ लीजिए। वाह भाई, आप खुद ही लुत्फ लेने लगे और हमें महरूम रख रहे हैं। सुनाइए ना, लगता है हम लोगों ने यहाँ किले के सहन में जो फूल उगाए हैं उनके बारे में लिखा है। सुनिए। कोई फूल याकूत का कटोरा था, कोई नीलम की प्याली थी, किसी फूल पर गंगा जमनी की कलमकारी की गई थी, किसी पर छीट की तरह रंग बिरंग की छपाई हो रही थी। वाह। तख्तों के दरमियान गुले खत्मी का हलका था, ये रंग बिरंग के वाइन गिलास हाथ में लिए खड़े थे, हर शाख इतने गिलास संभाले हुई थी कि दिल अंदेशा नाक रहता, कहीं ऐसा ना हो हवा के झोंकों की ठोकर लगे और गिलास गिरकर चूर चूर हो जाए। वाह, साफ लगता है मौलाना आजाद का कलम बोल रहा है। क्या जबान है, क्या अंदाज है, वो जादू के सुनने वाला बस सुनता ही रह जाए। भाई मेरा ख्याल है एक दौर और हो जाए। इनके कलम का जादू तो तर्जुमानुल कुरान में देखने लायक है। जबान और बयान के अलावा जो तफसीर पेश की गई है, इसी से सही इस्लाम हमारी नजर में आता है। लोग इसे बार बार पढ़ते हैं और इतनी मांग है कि इसके एडिशन बार बार छपते हैं। मौलाना की जबान के आशिकों में बड़े बड़े अहले जबान भी हैं। अल्लामा नियाज फतेहपुरी ने तो मौलाना से ये कह दिया था
कि अगर आपकी जबान में मुझे कोई गालियां दे तो मैं हर वक्त उसको छेड़ा करूं। हसरत मोहानी जैसे शायर ने कहा था, जब से देखी है बुल कलाम की नसर, नज़्म हसरत में भी मजा न रहा। और मौलाना मोहम्मद अली ने तो कहा था कि मैंने इस्लाम अबुल कलाम की नसर और इकबाल की शायरी से सीखा है। अजी, सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट तो सज्जाद अंसारी ने दिया है। लिखते हैं, मेरा अकीदा है कि अगर कुरान नाजिल ना हो चुका होता तो मौलाना अबुल कलाम की नसर उसके लिए मुंतखब की जाती। कमाल है, कलम से उर्दू की खिदमत जिंदगी भर की, साथ साथ अंजुमन तरक्की उर्दू से हमेशा वाबस्ता रहे। बहरहाल उर्दू अदब हो, सहाफत हो या हिंदुस्तान की तारीख जंगे आजादी, मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम जिंदा जावीद रहेगा। इसमें कोई शक नहीं, मौलाना अपनी मिसाल आप हैं। आप लोग मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए कि मुझे मजबूर होकर ये कहना पड़ जाए कि तारीफ उस खुदा की जिसने मुझे बनाया। लीजिए जवाहरलाल, आप क्या लिख रहे हैं आजकल? हिंदुस्तान की तारीख और कल्चर पर एक किताब लिख रहा हूं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बहुत खूब। मिस्टर आजाद, हियर इज अ टेलीग्राम फॉर यू फ्रॉम कलकत्ता। खैरियत? बेगम बहुत बीमार हैं, हालत खतरनाक है, पता नहीं कब का तार है, न कोई तारीख न कोई नाम। दिल्ली बंबई पूना सेंसर होता हुआ पता नहीं कितने दिनों में यहां पहुंचा होगा। डॉक्टर राय साहब, खुदा के लिए एक बार उनको दिखा दीजिए, बस एक बार उनको दिखा दीजिए। आप दवाइयां तो बराबर खा रही हैं? जी हाँ। डॉक्टर मजुमदार, इनको वर्षों पुराना टीवी है, फिर इनको हस्बैंड के जुदाई का सदमा है, अगर किसी प्रकार हो सकता और मौलाना साहब को बुला लिया जाता तो इनकी हालत में सुधार हो सकता, लेकिन हमें यही पता नहीं कि वो है कहां। हमें उठाकर बिठा दीजिए। माफ कीजिए, मेरी बीमारी के वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफें उठानी पड़ी। मौलाना आ गए, बस आप लेटी रहो। बाहर कोई हो तो कुरान पाक की तिलावत करवा दीजिए। मौलाना का दीदार मुमकिन नहीं, उनसे कहना कि मैं तुम्हारे ही नाम पे मर रही हूं, मगर मेरे चले जाने का गम ना करना। मौलाना को देने के लिए मेरे पास कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं। وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ।
My sincere condolence, Mr. Azad. In case you would like to go to Calcutta, I will immediately convey your wish to the government, Mr. Azad. जी नहीं, शुक्रिया। मैं हुकूमत का कोई एहसान नहीं लेना चाहता। चले जाइए ना, आपको इजाजत मिल जाएगी। अब जाके क्या करूंगा? वो तो कब की दफन हो चुकी। अगर कोई नया वाकया पेश ना आया तो 13 अगस्त तक वापसी का इरादा है। खुदा हाफिज। वो खुदा हाफिज इसलिए नहीं कह रही थी कि मैं सफर कर रहा था, फिर इसलिए कह रही थी कि वो खुद सफर करने वाली थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अफसोस, मौलाना साहब 3 साल अहमदनगर कैद में रहे। रिहा होकर पहला काम ये किया कि कलकत्ता पहुंचते ही बीवी की कब्र पर फातिहा पढ़ने चले आए। वाह, खुदा इनको जजाए खैर दे और मरहुमा की रूह पर अपनी रहमत नाजिल करे। बड़ा शानदार और यादगार इस्तकबाल हुआ मौलाना साहब का हावड़ा स्टेशन पर। लेकिन वहाँ स्टेशन के बाहर कार में बैठने से पहले कुछ नाराज लग रहे थे और अपने बंगाल कांग्रेस की प्रेसिडेंट मिसेस दत्ता से कुछ कह रहे थे। आप तो वहीं खड़े थे, आपने तो सुना होगा। मौलाना साहब को बैंड बजाया जाना अच्छा नहीं लगा। वो कह रहे थे कि ये कोई खुशी का मौका तो है नहीं, क्योंकि अभी उनके बहुत से साथी जेलों में बंद है। मौलाना साहब, बेगम आजाद मरहुमा की कोई यादगार कायम करने के लिए कलकत्ते के शहरियों ने 100,000 रुपए की रकम इकट्ठा की है, आपके खिदमत में पेश है। मेरे भाई, मुमकिन है मैंने कुछ काम देश का किया हो, लेकिन मेरी बीवी ने कुछ नहीं किया। वो एक पर्दा नशीन औरत थी और किसी सामाजिक काम में हिस्सा नहीं लेती थी। ऐसी औरत के नाम पब्लिक फंड से यादगार खड़ा करना कतई जायज नहीं। अगर आप हजरात इजाजत दें तो ये रकम कस्तूरबा मेमोरियल फंड में अतिया कर दी जाए। जैसा आप मुनासिब समझें। शुक्रिया। June 25, 1945 को शिमला में सभी पॉलिटिकल पार्टीज की एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मैंने कांग्रेस की नुमाइंदगी की।
कांग्रेस की यही फराक दिली का कम है कि उसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 5 वजीर नामजद करना कबूल कर लिया है, जबकि मुस्लिम लीग को भी 5 वजारतें दी गई हैं। हालांकि मुसलमानों की आबादी पूरे मुल्क में 1/4 है। मुस्लिम लीग का ये कहना कि कांग्रेस किसी मुसलमान को नामजद नहीं कर सकती सरासर नाकाबिले कबूल है। आप ठीक कहते हैं बापूजी। अब आप ये बताएं कि वो 5 आदमी कौन हों जिन्हें हम वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए नॉमिनेट करें। सबसे पहले कांग्रेस प्रेसिडेंट मौलाना साहब, जवाहरलाल तुम, सरदार पटेल। हेलो, आजाद बोल रहा हूं। जी शुक्रिया। खबर आई है कि मिस्टर जिना ने मुस्लिम लीग के नाम भेजने से इनकार कर दिया है। उन्हें इस शर्त पर इसरार है कि वायसराय और कांग्रेस ये बात मान ले कि कांग्रेस किसी मुसलमान को नामजद नहीं करेगी। तो कांग्रेस भी अपने नाम नहीं भेजेगी। शिमला कॉन्फ्रेंस नाकाम हो गई और हिंदुस्तान आजादी की तरफ कदम न उठा सका। नमस्ते बाप। किसे पता था कि दुनिया इतनी तेजी से पलटा खाएगी। जंग खत्म हो गई, जर्मनी और जापान तबाह हो गए, इंग्लैंड में चर्चिल की सरकार हट गई और इटली की लेबर गवर्नमेंट आ गई। लेबर पार्टी के मैनिफेस्टो के वादे के अनुसार उन्होंने हिंदुस्तान को आजादी देने के कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और इलेक्शन भी करवा दिए हैं। इलेक्शन का नतीजा कांग्रेस के लिए अच्छा रहा, लेकिन मुस्लिम लीग के लिए तो बहुत ही अच्छा रहा। पंजाब, बंगाल और सिंध में उसने पहले से ज्यादा सीटें हासिल की हैं। अगर यही हाल रहा तो एक ना एक दिन। महात्मा जी आदाब। सरदार आदाब। आदाब। नमस्ते मौलाना साहब, दिल्ली कब लौटे? आज ही पहुंचा हूं। बंबई, यूपी, आसाम और बिहार में कांग्रेसी हुकूमतें कायम करवाने के बाद और पंजाब में मुस्लिम लीग ऐसी मेजोरिटी में नहीं थी कि हुकूमत संभाल सके, तो मैंने वहां कांग्रेस और यूनियनिस्ट पार्टी की मिलीजुली सरकार बनवा दी। जानता हूं, जानता हूं। अच्छाई की आपने, लेकिन जवाहरलाल आपकी इस बात से खुश नहीं है। क्यों? ये तो आप उन्हीं से पूछिए। खफा तो नहीं हूं मौलाना, लेकिन पंजाब में आपने कांग्रेस और यूनियनिस्ट पार्टी की मिलीजुली गवर्नमेंट बनाने की जो तरकीब की वो मुझे अच्छी नहीं लगी। क्यों? अब देखिए ना, एक तो कांग्रेस वहां मेजोरिटी में नहीं, इसलिए उसे गवर्नमेंट बनाने का कोई हक नहीं। दूसरे ये कि कांग्रेस के अपने कुछ आइडियल्स हैं, मेरा मतलब है लेफ्ट ऑफ द सेंटर, जबकि यूनियनिस्ट पार्टी तो जमींदारों की पार्टी है, राइटिस्ट है। अब आप मेरा जवाब भी सुन लीजिए। पंजाब में कांग्रेस मेजोरिटी में न सही, लेकिन मेरी कोशिश की बदौलत पहली बार कांग्रेस पंजाब की गवर्नमेंट में आई है। जहां तक आइडियल्स का ताल्लुक है तो कांग्रेस में सभी तरह के सभी ख्यालात के लोग मौजूद हैं। अगर सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस के परचम तले है तो गांधी जी, राजा जी और सरदार पटेल जैसे लोग भी हैं जो लेफ्टिस्ट नहीं है। क्या मैं ये नहीं जानता? तो फिर एतराज क्यों कर रहे हैं, जबकि गांधी जी ने भी मेरी इस कोशिश को बहुत सराहा है। बात यह है मौलाना साहब के यूनियनिस्ट पार्टी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। माना, लेकिन अपनी शख्सी पसंद या नापसंद को क्या आप कांग्रेस के मफाद पर कुर्बान नहीं कर सकते? ठीक है, आप कहते हैं तो कर दूंगा। ये बात मैं कांग्रेस के सदर की हैसियत से नहीं कह रहा हूं, एक दोस्त की हैसियत से कह रहा हूं। बरतानवी हुकूमत ने एक कैबिनेट मिशन हिंदुस्तान भेजा
ताकि एक आजाद हिंदुस्तान की हुकूमत का दस्तूर बनाया जा सके। कांग्रेस की तरफ से गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और मैंने बातचीत की। मुस्लिम लीग की तरफ से मिस्टर जिना ने, और उन्होंने कैबिनेट मिशन से पाकिस्तान की पुरजोर मांग की। इस मौके पर मैंने अखबारी नुमाइंदों को एक बयान दिया। मैंने मुस्लिम लीग की बनाई हुई पाकिस्तान की स्कीम पर हर नुक्ते नजर से गौर किया है। एक हिंदुस्तानी की हैसियत से पूरे हिंदुस्तान पर इसका जो असर होगा उसका जायजा लिया है, और एक मुसलमान की हैसियत से इसका जायजा भी लिया है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों पर इसका क्या असर पड़ेगा। अच्छी तरह से गौर करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पूरे हिंदुस्तान ही के लिए नहीं बल्कि खसूसन मुसलमानों को यह नुकसान पहुंचाने वाली है। इससे उनके मसले हल नहीं होंगे और मसले पैदा होंगे। मुझे कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की इस्तलाह मेरे मिजाज के खिलाफ है। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया के कुछ हिस्से पाक हैं और कुछ हिस्से नापाक। इलाकों की पाक और नापाक में ऐसी तकसीम खुद गैर इस्लामी है और रूहे इस्लाम को झुठलाना है। इस्लाम ऐसी कोई तकसीम नहीं मानता, जबकि रसूलुल्लाह का फरमाना है कि मेरे अल्लाह ने मेरे लिए सारी दुनिया मस्जिद बनाई है। मैं समझता हूं कि मौजूदा फिरके वाराना तलखियां और इख्तलाफात उबूरी हैं। जैसे ही हिंदुस्तान अपनी तकदीर अपने हाथों में लेगा, इनका नामो निशान नहीं रहेगा। मुबारक हो। शुक्रिया। बधाई हो। तशरीफ रखिए। मेरी जगह आप कांग्रेस के सदर हुए, मेरी दिली तमन्ना पूरी हुई। मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी अब अपनी मीटिंग शुरू करती है। सबसे पहले सरदार पटेल एक रेजोल्यूशन पेश करेंगे, उसके बाद मौलाना आजाद आप सबको कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में कुछ बताएंगे। सरदार पटेल आइए। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द कांग्रेस दैट एनी वन पर्सन हैज हेल्ड द रेन्स ऑफ द ऑफिस ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट कंटिन्यूअसली फॉर 6 years. This honor goes to Maulana Azad. The credit for bringing us to the present position in our struggle for independence goes entirely to Maulana Azad. Shukriya. Maulana Azad deserves all praise for his dedication and contribution to the nation. Jawaharlal Nehru ne markaz mein arzi qaumi hukumat banayi, जिसका मुस्लिम लीग ने बायकॉट किया और डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया, जिससे कलकत्ते में बड़े खौफनाक फसादात शुरू हुए, जिनकी आग नवाखाली, बिहार और बंबई तक पहुंची। गांधी जी ने कलकत्ते में व्रत रखकर हिंदुओं और मुसलमानों के जुनून को बड़ी हद तक रोका। फिर लॉर्ड वेविल की कोशिशों से मुस्लिम लीग मरकजी हुकूमत में शामिल हो गई और उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री मिल गई। पहले मैंने हुकूमत में शामिल होने से इनकार कर दिया था, लेकिन चंद महीनों बाद गांधी जी और जवाहरलाल के इसरार पर मैंने वजारत तालीम कबूल कर ली। दानिश मिताब
बचपन में यगाना थी जिसकी जात, एक रोजगार नौ का तराना थी जिसकी जात, अहदाफरी जुनू का फसाना थी जिसकी जात, दुनिया थी जिसकी जात, जमाना थी जिसकी जात, बेताब एक दिल में जहां की हयात थी, जाते अबुल कलाम थी या कायनात थी।